साथियों नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफी NCR एक्सप्रेस न्यूज से। मैं बताऊंगा आपको दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी का इलाज कराने जा रहे हैं तो किस तरह एंट्री करें और OPD कहाँ के दिल्ली का नई दिल्ली का मशहूर हॉस्पिटल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप किस तरह इलाज करा सकते हैं। जब आप किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं और उसकी स्थिति गंभीर है तो आपको 5 नंबर गेट से एंट्री करनी होगी जो इमरजेंसी वार्ड के लिए जाता है। वहीं पर ही इमरजेंसी OPD है जहां सामने लिखा हुआ है ट्रामा सेंटर, उसी के बराबर में अगर आपके साथ एम्बुलेंस में पेशेंट है तो वहीं स्ट्रेचर के लिए भी लोग बैठे रहते हैं जो ID जमा करने के बाद में आपको स्ट्रेचर उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद मरीज को OPD में दिखा दिया जाता है। इसके अलावा आप अगर साधारण OPD में दिखाना चाहें तो आपको 3 नंबर गेट से एंट्री करनी पड़ेगी। 3 नंबर गेट से एंट्री करने के बाद आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, काफ़ी जगह है यहाँ पर हॉस्पिटल में, और उसके बाद आपको अंदर जाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो भी आपको काउंटर पर जाना होगा, और नहीं तो आपको नया पर्चा बनवाना होगा। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं स्ट्रेचर पर कितनी भीड़ है। यहाँ जैसा आप सभी को मालूम है दिल्ली में OPD बहुत कम हॉस्पिटलों में चल रही है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में OPD चालू है, तो मरीजों की संख्या भी आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं काफ़ी है। तो आपको वहीं से ही 3 नंबर गेट से आप जब जाएंगे तो आपको अंदर जाकर वहाँ पूरी OPD की सुविधाएं मिलेंगी। वहाँ सर्जरी की भी OPD है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अस्पताल में किसी मरीज़ का इलाज कराना चाहते हैं तो आपको सुबह ही वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा और आपको पर्चा बनवाना पड़ेगा। उसके कई घंटे बाद आपको लाइन में लगकर वो नंबर आता है मरीज़ का, और कई घंटे बाद मरीज़ को देखा जाता है। तो जो भी अगर अस्पताल जाना चाहे तो वह सुबह ही पहुँचे क्योंकि भीड़ बहुत चल रही है।